ग्रीटिंग्स टू ऑल माई सेल्फ डॉक्टर लींता अरोड़ा असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बाटनी गवर्मेंट पी जी कॉलेज बारा राजस्थान टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बेक्टीरिया स्टूडेंट्स आज हम बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करेंगे बैक्टीरिया के मैं पिछले दिनों छः वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ शायद स्टूडेंट्स आपने देखे भी होंगे उनको जिसमें मैंने आपको बैक्टीरिया की हिस्ट्री बैक्टीरिया की जनरल मॉर्फोलॉजी, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन और बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में समझाया था इसी कड़ी में आगे हम बैक्टीरिया के जनन रिप्रोडक्शन इन बैक्ट रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया बैक्टीरिया में जनन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे बैक्टीरिया में वैसे तो जनन कायिक व अलैंगिक विधियों द्वारा संपन्न होता है और माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं कि बैक्टीरिया में लैंगिक जनन नहीं पाया जाता परंतु इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर यह पाया गया कि कुछ जीवाणुओं में जेनेटिक पदार्थों का विनिमय या रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यूनिडायरेक्शनल होता है एक दिशीय होता है तो इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं सबसे पहले कायिक जनन बैक्टीरिया में वेजिटेटी रिप्रोडक्शन कैसे होता है बाय बाइनरी फिशन द्विविखंडन द्वारा बाय बडिंग मुकुलन द्वारा बाय गोनीडिया और सेगमेंटेशन गोनीडिया या खंडी भवन द्वारा और चौथा है बायसिस्ट यानी कि पुट्टी के द्वारा बैक्टीरिया में अलैंगिक जनन बाय कॉनिडिया बाय आइडियोस्पोर बाय स्पोर बाय मोटाइल स्पोर्स एंड बाय एंडोस्पोर इसके अंदर होता है जनन इसमें लैंगिक जनन का अभाव होता है लेकिन इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है जो कि कॉन्जुगेशन ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन द्वारा होता है वेजिटी रिप्रोडक्शन पे आते हैं सबसे पहले हम आते हैं बाय बाइनरी फिशन द्विविखंडन द्वारा उचित वे अनुकूल वातावरण में पोषण ताप आर्द्रता जब अनुकूल होती है तो जीवाणु कोशिका दो समान आकार की पुत्री कोशिकाओं को जन्म देती है इस प्रक्रिया को द्विविखंडन कहते हैं एग्जाम में कई बार एक नंबर का क्वेश्चन बच्चों आता है कि व्हाट इज बाइनरी फिशन उचित वे अनुकूल वातावरण में जीवाणु कोशिका दो समान आकार की पुत्री कोशिकाओं को जन्म देती है इस प्रक्रिया को द्विव्य या बाइनरी फिशन कहते हैं बेसिलस स्पाइरम जीवाणु कोशिका की लंबत अक्ष से समकोण बनाते हुए विभाजित होती है जबकि कोकस जीवाणु किसी भी अक्ष से विभाजित हो सकते हैं बाइनरी फिशन दो प्रोसेस से होता है बाय डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म विखंडन से पूर्व कोशिका आकार में बढ़ती है इसके उपरांत केंद्रक पदार्थ का डीएनए पुनरावर्ति द्वारा दो डीएनए में बदल जाता है दोनों डीएनए विपरीत ध्रुवों पर मिजोजोम्स द्वारा ले जाए जाते हैं अतः केंद्र पदार्थ के विभाजन के समय तर्कुतंतु नहीं बनते हैं इस विभाजन को आसूत्री विभाजन कहते हैं सेकंड है इसी में कोशिका द्रव्य के विभाजन केंद्र पदार्थ के विभाजन हो गया पहले फिर अब कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म केंद्रक पदार्थ के वजन के अंतिम चरण में कोशिका के मध्य स्थल पर कोशिका झिल्ली के एक वलय के रूप में अंतर्वलन होना प्रारंभ हो जाता है अंदर इनफोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है कोशिका झिल्ली की और ये इनफोल्डिंग सेंट्रीपिटिकली अब केंद्रीय अंदर की तरफ बढ़ती जाती है और ये दो एक कोशिका को दो समान पुत्री कोशिकाओं में विभक्त करती है दोनों कोशिकाएं अलग अलग हो जाती हैं। जीवाणु का द्विविखंडन धीमी गति से होता है लेकिन प्रारंभिक अवस्था के कुछ समय बाद इसमें तीव्रता से गुणन होता है अनुकूल वातावरण में द्विविखंडन की प्रक्रिया में अठारह से बीस मिनट का समय लगता है देखो ये बाइनरी फिशन का डायग्राम दिख रहा है प्रोक्रेटिक सेल डीएनए पहले दो भागों में बट गया फिर अंदर इसके इनफोल्डिंग सेल में स्टार्ट हो गए और एक कोशिका दो समान भागों में बट गई इट इन्वॉल्व द कॉपिंग ऑफ डी एन एंड द स्पिलिंग एंड द स्प्लिटिंग इंटू टू न्यू सेल्स सेकेंड हम आते हैं बाय बडिंग यानी कि मुकुलन के द्वारा इस विधि में जीवाणु कोशिका से एक उभार के समान संरचना निकलती है फिर इसके कोशिका द्रव्य वे केंद्रीय पदार्थ भी इसी उभार के अंदर आ जाते हैं यानी कि एक बड़ निकलती है जीवाणु कोशिका से और जितने भी इसके साइटोप्लाज्म उसके न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं वो इस बट के अंदर आ जाते हैं पूर्ण विकसित होने पर यह बट जनन कोशिका से एक कंस्ट्रिक्शन द्वारा पृथक होकर नई कोशिका के रूप में कार्य करती है संकीर्णन के द्वारा जनन कोशिका से पृथक को होकर नई कोशिका के रूप में कार्य करती है हाइफोमाइक्रोबियम थर्ड है बाय गोनिडिया और सेगमेंटेशन कुछ कुछ जीवाणुओं में कायिक जनन के दौरान इसकी कोशिका का जीव द्रव्य विभाजित होकर बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म संरचनाएं बनाता है जिन्हें की सूक्ष्म बॉडीज होती हैं माइक्रो बॉडीज होती हैं जिन्हें हम गोनीडिया कहते हैं जनन कोशिका की भित्ती के, के फट जाने पर गोन गोनीडिया बाहर आते हैं वे अनुकूल वातावरण में अंकुरित होकर जीवाणु की नई कोशिका को बनाते हैं फोर्थ है बाय सिस्ट यानी कि पुटी के द्वारा कुछ जातियों में जैसे एजेटोबैक्टर कुछ जातियों में प्रतिकूल परिस्थिति में कोशिका का, का संपूर्ण जीवद्रव्य कोशिका भित्ती को छोड़कर सिकट जाता है फिर इसके बाद एक मोटी भित्ती जीवद्रव्य के चारों ओर बन जाती है ये रचना एंडोस्पोर के समान होती है इसे शिष्ट कहते हैं अनुकूल परिस्थिति में शिष्ट अंकुरित होकर एक नव जीवाणु कोशिका को जन्म देती है अब हम आते हैं इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया, बाय ओडियोस्पोर एंड बाय एंडोस्पोर इसके अलावा बाय एस्पेंजर स्पोर्स भी होता है और बाय मोटाइस स्पोर्स भी इसके अंदर होता है सबसे पहले हम आते हैं बाय कोनिडिया बाय कोनिडिया अनेक प्रकार के जीवाणु जैसे स्टेप्टोमाइसीज की तंतुवत कोशिकाओं में गोल या छड़ के आकार के कोनिडिया शाखाओं के अंतिम सिरों पर उत्पन्न होते हैं कोनिडिया का निर्माण तंतु में अनुपस्थ ट्रांसफर वॉल बनने के कारण चेन में होता है जिस तंतु पर कोनिडिया का विकास होता है उस तं उसे कोनिडियोफोर कहते हैं कोनिडिया का विकास बेसिपिटल सक्सेशन में तालाबिस क्रम में होता है कोनिडिया परिपक्व होने पर कोनिडियोफोर से मुक्त हो जाते हैं वे अनुकूल वातावरण में अंकुरित होने पर नए जीवाणु कोशिका को जन्म देते हैं इसके बाद नेक्स्ट है बाई ऑडियो स्पोर्ट्स जीवाणु एक्टिनोमाइसिस की कुछ प्रजातियों में तंतुव संरचना के अंतिम खुले सिरे पर कु बनने के स्थान पर इस संपूर्ण तंतु तंतु में सेप्टा बन जाते हैं प्रत्येक पटयुक्त कोशिका एक स्वतंत्र इकाई को निरूपित करती है इस प्रकार यहाँ असंख्य जनन इकाइयाँ बन जाती हैं जिसे आइडियो बीजाणु या ऑडियो स्पोर्ट्स कहते हैं ये प्रत्येक बीजाणु या आइडिया अंकृत होकर नए तंतुवत जीवाणु को बनाता है थर्ड है बाय एंडोस्पोर अलैंगिक जनन की यह प्रक्रिया जीवाणु में प्रतिकूल परिस्थितियों को दृष्टिगोचर करती है इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम जानकारी कोहन वे कोश ने नाइन में प्रस्तुत की यह अत्यंत प्रतिरोधी और डोरमेंट एक कोशी की संरचना होती है इन्हें पोषक पदार्थ न मिलने पर लंबे समय तक भी जीवित रह सकती हैं इसके अलावा इसमें होता है बाई स्पोरजस्पोर्स अनेक तंतु व शाखित जीवाणु के शीर्ष से फूलकर कर संरचना निर्माण करते हैं इन का कोशिका द्रव्य विभाजित होकर छोट छोटे छोटे स्पोन्ज स्पोर्स बनाता है ये बीजाणु मुक्त होने पर अनुकूल परिस्थितियों में नए तंतु का निर्माण करते हैं नेक्स्ट बाई मोटाइल स्पोर्स ये अलैंगिक जनन की सामान्य विधि असामान्य विधि है कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम में चल बीजाणु का निर्माण होता है अनुकूल वातावरण मिलने पर चल बीजाणु नए जीवाणु कोशिकाओं का निर्माण करते हैं फिर रिपीट करते हैं बच्चों एक बार फिर हम स्पोर्स मैनी बैक्टेरियल स्पीशीज प्रोड्यूस स्पोर्ट्स इन साइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल अनेक बैक्टीरियल स्पीशीज स्पोर्स को प्रोड्यूस करती हैं या तो सेल के अंदर या सेल के बाहर इनसाइड द स्पोर्स आर कोल्ड एंडोस्पोर एंड आउटसाइड द स्पोर्स आर कोल्ड एग्जोस्पोर एग्जाम्पल बेसिलस एंथ्रेसिस और बेसिलस सब्टिल सेल के अंदर अगर स्पोर्स बनते हैं तो उसे एंडोस्पोर कहते हैं और सेल के बाहर अगर स्पोर्स बनते हैं तो उसे एक्सोस्पोर्स कहते हैं स्पोर्स आर एक्सट्रीमली रेजिडेंट टू डेसिकेशन स्टेनिंग रेडिएशन डिसइंफेक्टिंग केमिकल्स एंड हीट जो स्पोर्स होते हैं वो एक्सट्रीमली सब तरह के वाटर वातावरण के लिए रेजिडेंट होते हैं डेसिकेशन हो चाहे स्टेन हो चाहे रेडी रेडिएशन कोई सा भी हो और कोई भी केमिकल हो और हीट हो गर्मी हो सबसे ये रेजिडेंट रहते हैं ईच बैक्टीरियल स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन फॉर्म ए सिंगल वेजिटेटिव सेल हर स्पो वेजिटेटिव स्पोर, स्पोर बैक्टीरियल स्पोर्स होता है वो जर्मिनेशन पर एक वेजिटेटिव सेल का फॉर्मेशन करता है they remain visible sorry they remain viable for long time and help bacteria to survive for long period under unfavorable condition ye jo spores hote hain kafi lambe samay tak viable rehte hain survive kar sakte hain और लंबे पीरियड तक ये unfavorable environment होता है उस समय ये जिंदा रहते हैं अब हम आते हैं स्पोरुलेशन द प्रोसेस ऑफ एंडोस्पोर फॉर्मेशन इज नोन एज स्पोरुलेशन इट मे टेक फोर टू एट आवर्स इन वेजिटेटिव सेल एंडोस्पोर फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसे स्पोरुलेशन कहते हैं इसमें चार से आठ घंटे का समय लगता है स्पोरुलेशन प्रोसेस कैसे होता है फर्स्टली ए न्यू replicated बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड a स्मॉल पोर्शन ऑफ cytoplasm are आर आइसोलेटेड an एन इनग्रोथ ऑफ द प्लाज्मा called कॉल्ड spore स्पोर सेप्टम प्लाज्मा अम्ब्रेन से अंदर की तरफ स्पोर सेप्टम बनता है और उसके बाद स्पोर तो सेप्टम बनने के साथ ही ये अंदर की तरफ इसमें इनग्रोथ स्टार्ट हो जाती है द सिचुएटेड सेप्टम derived from the cytoplasm membrane is then formed by a process of invagination which divides into a forespore and sporangium the forespore is subsequently encircled by a divisional septum as a double layered membrane between the two layers of lead uh, spore cortex and outer layer is transformed into spore coat which consist of several several layers जीवाणु प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अंत्य बीजाणु संजेसी संरचनाओं का निर्माण करते हैं जो जनक जीवाणु कोशिका में विकसित होने वाली अत्यंत प्रतिरोधी हाईली रेजिडेंट कार्यिक रूप से शुभ सुषुप्त डोरमेंट एक कोशी की संरचना है ये पोषक पदार्थों को न मिलने पर भी काफी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं इनका निर्माण कोशिका का अंतिम श्रेय या मध्यम भाग में तो या दोनों में कहीं भी हो सकता है यह आकार में बेलनाकार दीर्घताकार अथवा गोलाकार होते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में जब जीवाणु कोशिका वर्जन नहीं होता है कोशिका में एटीपी की मात्रा में कमी आती है तो एक विशेष जीन की सहायता से अंत बीजाणु बनने की प्रक्रिया उत्प्रेरित होती है अंत्याणु बनने की प्रक्रिया में कोशिका जो कोशिका में वृद्धि होती है इसका क्रोमेटिन संगठित होकर एक अक्षी तंतु का आकार लेता है जो प्राय एक शोर से दूसरे छोर तक फैला हुआ दिखाई देता है फिर अक्षी तंतु पूरी तरह विकसित हो जाता है और जीवाणु कोशिका के में परिवर्तन हो जाते हैं फिर इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ अंतर्वलन इन स्टार्ट हो जाता है जो कि केंद्रा भी सारी रूप से सेंट्रीपेटल रूप से अंदर की ओर वृद्धि करता है वे दोनों छोर आपस में जुड़कर सेप्टा का निर्माण करते हैं जिससे कि आदक पट कहते हैं मातृ कोशिका व आदक बीजाणु के पट की झिल्ली शरीर को वृद्धि कर जीवित्रव्य को घेर लेती है इस अवस्था में आदक बीजाणु की कोशिका झिल्ली के बाहर पेप्टिडोग्लाइकेन की कोशिका भित्ति का संश्लेषण होता है जिसे बीजाणु भित्ति कहते हैं फिर इसका जीव द्रव्य जो होता है वो अधिक सघन डेंस हो जाता है उसके अंदर जमाव इसका जमाव कोशिका झिल्ली से होता है बीजाणु भित्ती में अत्यंत विभेदन होता है वही यह बहुस्तरीय हो जाती है तो इसके बाद जीवाणु मातृ कोशिका परिपक्व हो को जाती है वैसे मातृ कोशिका को बीजाणुधानी कहते हैं फिर ये स्वतंत्र अवस्था में इसका प्रकीर्णन वायु जल द्वारा होता है और ये अनेक वर्षों तक सुप्ता अवस्था में पड़ लेते हैं एंडोस्पोर आर थिक वोल्ड हाईली रिफ्लेक्टेबल बॉडीज देट आर प्रोड्यूस वन परसन मोटी भित्ती वाली कोशिकाएं है होती हैं हाइली रिफ्रेक्टिव होती हैं ऑल द एंडस्पोर कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डी पी एसिड जितने भी एंडस्पुर होते हैं वो लार्ज अमाउंट में डाइपिकोलिनिक एसिड को का संश्लेषण करते हैं कर इन कॉम्बिनेशन विथ लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम विद विच इज प्रेजेंट इन सेंट्रल पार्ट ऑफ स्पोर द कैल्शियम एंड डी पी ए कॉम्प्लेक्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन दिट एजिडेंट ऑफ एंडोस्पोर एंडोस्पोर कंसिस्ट ऑफ ए कोर और एनवल और प्रोटोप्लास्ट इन द कोर और प्रोटोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ डी एन एंड रैबोसोम ट्रांसफोल एंजाइम द स्पोर एंड वनर मम्बरेन आउटर मम्ब्रेन कोटेक्स एंड स्पोर कोड इन सब स्पीशीज है आउटर लेयर कोल्ड एग्जोस्पोरियम विच बी रिजेज एंड फोल्ड उस स्पीसीज में आउटर लेयर एग्जोस्पोरियम कहते हैं जिसमें की रिजेज ऑफ फोरो फोल्ड में पाए जाते हैं ये आपको दिख रही है वेजिटेड सेल दिख रही है इसमें सेप्टम बन गया इन फोल्डिंग अंतरबलन अंदर, अंदर अंदर वल, अंदर हो गए और एक कोशिका दो भागों में विभाजित हो गई चारों तरफ इसकी मोटी झिल्ली स्त्रावित हो गई थिक वॉल्ड, फर्स्ट फिस्पोर कॉटेक्स एंडस्पोर सम बैक्टीरिया आर कैपेबल टू प्रोड्यूस स्पोर देट आर हाईली रिजेंट टू एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन कुछ बैक्टीरिया में एंडस्पोर को प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक्सट्रीम एन्वायरमेंटल कंडीशन को सहन कर लेते हैं इन फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया रीग्रो अगेन टू ए बैक्टीरिया जब अनुकूल परिस्थितियां आती है तो ये द्वारा से ग्रो करता है एंडस्पोर का प्रोटोप्लास्ट जो होता है कोर मुख्यतः डीएनए का बना होता है इसके चारों तरफ सघन कोशी द्रव्य द्वारा घिरा होता है इसमें जल की मात्रा कम लेकिन नब्बे परसेंट प्रोटीन इसमें आप आ जाता है इसके साथ ही इसमें डाईपिकोलिनिक अम्ल कारण के रूप में स्टेबलाइजिंग एजेंट के रूप में मिलता है कम संख्या में इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं ये तो आपका बच्चों आज सेक्स ए सेक्सुअल और वेज रिप्रोडक्शन कम्प्लीट हो गया नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इसमें होता नहीं है लेकिन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो होता है उसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी थैंक यू सो मच बच्चों धन्यवाद बच्चों